दोस्तों आप जो अपने स्क्रीन पर ये वाली वीडियो देख रहे हो, तो दोस्तों इस वीडियो में जो इफेक्ट यूज हुआ है वो इफेक्ट आप एलाइट मोशन ऐप से आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने फोन में इस एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों आपके फोन में एलाइट मोशन ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओपन कर लेने के बाद आपको सिंपली से यहां से इस प्लस के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है और उसके बाद ऊपर में आप जिस वीडियो को एडिट करना चाहते हो उस वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आप ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से आपको इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है और ऊपर में आपको मीडिया वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर से अपनी किसी भी एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेनी है जिस वीडियो पर आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो। तो दोस्तों हमने इस वाली वीडियो को सेलेक्ट कर ली है, इसी वीडियो पर वो इफेक्ट अप्लाई करके बताएंगे। तो दोस्तों इस पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली से इस वीडियो वाली लेयर पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ से इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अभी आपको यहाँ से इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको सर्च बार में चले जाना है और CH सर्च करना है। दोस्तों जैसे आप CH सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट में मिलेगा चैनल रैंप RGB। तो दोस्तों इस वाले इफेक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर से चार लाइनें देखने को मिल रही होगी, तो जस्ट अभी आपको यहाँ से RGBA ग्रीन कलर का लाइट दिख रहा होगा। तो दोस्तों अभी आपको तीसरे लाइन में से जाकर Y को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद आपको फिर से इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको सर्च बार में चले जाना है और सर्च बार में जाने के बाद आपको सैचुरेशन सर्च करना है। दोस्तों जैसे आप सैचुरेशन सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट में मिलेगा सैचुरेशन वाइब्रेंस, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ से इस सैचुरेशन को भी आपको एडजस्ट कर लेना है, तो सिंपली से इसके ऊपर में जो सैचुरेशन है इसको प्लस 15% के आसपास रख लेंगे और उसके बाद नीचे में जो वाइब्रेंस वाला ऑप्शन है तो इसको भी आपको बढ़ा लेना है, तो इसको 1.20% के आसपास रख लेना है और इतना रख लेने के बाद आपको स्क्रीन पर एक बार टाइप कर देना है। अभी आपको यहाँ पर से इस प्लस के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इस वाले शेप को आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों शेप जैसे सेलेक्ट होगा उसके बाद टू फिंगर की मदद से इसको अच्छे तरीके से जूम कर लेंगे और जूम कर लेने के बाद आपको यहाँ से इस कलर एंड फिल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ग्रीन कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है और उसके बाद इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद अभी आपको थोड़ा सा नीचे कर देना है तो यहाँ एक डिफरेंस का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको सेलेक्ट करके तीसरे नंबर पर सब्सक्रैक्ट वाला ऑप्शन है तो इसको भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अभी आपको यहाँ पर से एक बार बैक चले जाना है और इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आपको यहाँ से इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर से तीन इफेक्ट बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले आपको कॉपी बैकग्राउंड सर्च करना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको कॉपी सर्च कर लेना है तो फर्स्ट में मिलेगा कॉपी बैकग्राउंड, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों इतना करते ही आपको यहाँ पर से एक बार बैक चले जाना है और उसके बाद इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अभी आपको फिर से सर्च बार में चले जाना है और अभी आपको गॉसियन ब्लर सर्च करना है। तो दोस्तों जैसे आप GAU सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट में मिलेगा गॉसियन ब्लर, तो दोस्तों इस गॉसियन ब्लर को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको लास्ट इफेक्ट मैं बताने वाला हूँ, तो अभी आपको एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और सर्च बार में चले जाना है और इस वक्त आपको EX सर्च करना है। दोस्तों जस्ट इतना सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट में मिलेगा एक्सपोजर गामा, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पर से आपको कुछ एडजस्टमेंट में बता देता हूँ, तो सबसे पहले आपको गॉसियन ब्लर को एडजस्ट करना है, तो गॉसियन ब्लर को आपको अराउंड 0.650 के आसपास रख लेंगे और इतना रख लेने के बाद आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है और उसके बाद इस एक्सपोजर गामा को एडजस्ट करना है, तो एक्सपोजर गामा पर क्लिक कर देते हैं और ऊपर में जो एक्सपोजर है इसको आपको कम कर लेनी है। तो दोस्तों इसको आपको -0.70% या 0.66% के आसपास रख लेना है और इतना रख लेने के बाद आपको स्क्रीन पर एक बार टैप कर देना है। तो अभी आपको एक और शेप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आपको इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है और इसी वाले शेप को आपको दोबारा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट हो जाएगा तो इसको भी अच्छे तरीके से जूम कर लेंगे, पूरा स्क्रीन कवर हो जाना चाहिए और उसके बाद आपको यहाँ से इस कलर एंड फिल पर क्लिक कर देना है और अभी आपको यहाँ से इस व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको बैक चले जाना है और अभी आपको इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा नीचे कर देने के बाद आपको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके फर्स्ट में ओवरले वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करते ही आपकी वीडियो में जो है इफेक्ट लग जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, तो अब इस इफेक्ट को पूरी वीडियो में अप्लाई कर लेते हैं। तो पूरी वीडियो में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ से वीडियो के एकदम शुरुआत में चले जाना है और यहाँ से आपको सभी लेयर को मार्क कर लेना है और इस वाले निशान पर क्लिक कर देना है और इसी तरीके से आपको दोस्तों वीडियो के सबसे अंत में भी चले जाना है और वीडियो के सबसे अंत में जाने के बाद आपको
सभी लेयर को मार्क कर लेना है और इसी वाले निशान पर क्लिक कर देना है। इससे आपकी इफेक्ट जो है पूरी वीडियो में अप्लाई हो जाएगी। अब इस वीडियो को सेव करना है तो सेव करने के लिए ऊपर में जो निशान देख रहे हो इस पर क्लिक कर देना है और नीचे एक एक्सपोर्ट वाला बटन है, इस पर क्लिक करते ही आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना।